नागपुर ग्रामीण के देवलापार पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक फरार आरोपी के कपिल नगर स्थित मकान में उसकी तलाश करने गई पुलिस को देखते ही छत से आरोपी कूद पड़ा, जिसकी वजह से आरोपी की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद मृतक आरोपी के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए काफी हंगामा मचाया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मोहम्मद इमरान मोहम्मद शेख नामक युवक की एनिमल एक्ट के अनुसार नागपुर ग्रामीण के देवलापार पुलिस स्टेशन अंतर्गत फरार था, जिसमें देवलापार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी मोहम्मद इमरान कपिल नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत अपने महाड़ा कॉलोनी स्थित घर पर है। जानकारी मिलने पर देवलापार पुलिस रविवार दोपहर आरोपी को हिरासत में लेने के लिए नागपुर पहुंची, जहां उसके घर की तलाशी के दौरान आरोपी मोहम्मद इमरान दौड़ने की फिराक में अपने ही घर की छत से कूद पड़ा, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। आरोपी की मौत के बाद उसके परिजनों ने पुलिस के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया। मेरी जान चल गई मेरे बच्चे की, पुलिस वालों के चक्कर में रोमा झोमी में धक्का दे दिए, मेरे बच्चे को गिरा दिए नीचे तीसरे फ्लोर से। हाँ, और उसको ऐसा गाड़ी लेके भागे दिखे भी नहीं, वहाँ इतना खून गया उसका। हाँ, रोमा झोमी ही ना उनके ऊपर, पूछो ना उससे, बहू से मेरी, बहू है मेरी। पुलिस वाले घर पे आ गए थे, मैं बोली कि जेंट्स घर में नहीं है, बस मेरे हस्बैंड सोए, तो वो घर में घुस के मारे और लोमाझोमी करके मेरे आदमी को गिरा दिए गैलरी के, मेरी रूम के गैलरी से गिरा दिए, आगे से एसी पलट के इधर साइड से गिराए थे सामने से। फिर वो मैं नीचे गई भागते हुए, तो उतनी देर में पुलिस वाले भाग गए, देखे भी और भाग भी गए तुरंत। मैं 2 घंटे घूमते रही और कोई नहीं मिला मुझे ऑटो में जाने वाला। फिर मेरे एक मामा आए, उनको फोन करके बुलाई तो मेरे मामा आए तो वो लेके गए। डेट उनकी आज हुई, मेरे को इंसाफ चाहिए। हाँ, पुलिस वालों ने लापरवाही किए है, पुलिस वाले आए वो ऐसे उतर गए गैलरी में से, पुलिस वालों ने मारे। हाँ, ऐसे उधर मुड़ी से मारे तो वो गिर ऐसे कूद गए। अच्छा, वो कूदे नहीं, पुलिस वालों ने धक्का दिए थे, मारे थे। अच्छा। लोमा झूमी हुई थी। अच्छा, तो पुलिस वाले मारे थे, वो गिर गए तो नीचे देखे तो वो भाग गए थे पुलिस वाले। हाँ, भाग गए थे, बहुत सारे थे, नहीं 7 थे वो, 7। हाँ, 6-7 थे। हाँ, पता नहीं अब वो अंदर घुस गए थे, देखी ना मैंने, मारे लोमा झूमी करे और गिरा दिए, खुद ही मारे। अब जिस मेरे हस्बैंड को देख लिए कि वो गिर गए तो वैसे ही भाग गए। अच्छा, देखे भी नहीं कि हॉस्पिटल लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, जेंट्स थे सब, जेंट्स। नहीं नहीं, इंसाफ चाहिए मुझे बस, कोई करने वाला नहीं है मेरा, सिर्फ वो एक, कोई भी नहीं है, मेरा एक छोटा बच्चा है बस। हम थे ना, और मेरी सास थे, मेरे एक मामा आए थे, मैंने फोन करी, 2 घंटा घूमी मैं, फिर एक मेरे मामा को फोन करी तो मेरे मामा आए तो फिर हॉस्पिटल लेके गए। मैं शाह शेख, हम यहाँ के नागरिक है, बस्ती के नागरिक है। यहाँ पे जितना भी क्राउड दिख रहा है ये सब बस्ती के नागरिक, इनके लिए आए हैं और इनके घर में कमाने वाले अकेले थे। आज पुलिस अगर किसी को पकड़ने जाती है तो उसको पकड़ के लेके जाती है। अब वहाँ धक्का दुक्की, हम तो वहाँ पे जगह पे नहीं थे कि हमको पता चला पुलिस ने धक्का दी, क्या कैसे गिरे हमको हादसे का नहीं मालूम। मगर हमको ये मालूम है अगर किसी घर में जब जाया जाता है तो लेडीज पुलिस पुलिस के साथ होना चाहिए। यहाँ पे कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, पुलिस जब रेड मारने जा रही है तो फैमिली होती है। तुम फैमिली में घुस के धक्का धुक्की किए, धक्का धुक्की करने के बाद में तुमने गिरा दिए, चलो नहीं तुमने गिराए तो तुम एक इंसानियत का पैगाम होता है। आप वो जो भी आपके हिसाब से आरोपी थे, जो भी थे, आप उनको कम से कम हॉस्पिटलाइज तो करते, आपने हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए। आज हम तमाम बस्ती वाले नागरिक यहाँ पे खड़े हैं, आज भाभी के साथ में, आज हमारे अंकल है जो इनके साथ में, इनके घर में कमाने वाले सिर्फ एक ही थे। हम तमाम लोग बस्ती के नागरिक ये कहना चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले, इन्हें मुआवजा मिले। और पुलिस का ये कहना है क्या, हम तुमको कोऑपरेट नहीं कर सकते, जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक हम डेड बॉडी यहां से नहीं लेके जाएंगे। अभी डेड बॉडी आ रही है, हम डेड बॉडी यहां रखेंगे। आज हम इनको मुआवजा के लिए, हम तमाम बस्ती वाले यहां पे खड़े हैं, हम चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इनको मुआवजा मिले। बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अगर वो मुआवजा नहीं देते, प्रशासन अगर मदद नहीं करता, तो हमारा अगला स्टेप उनके ऊपर कार्रवाई करने का है। सर्वाना नमस्कार, मैं डीसीपी जोन 5 श्रवण दत्त। काल कपिल नगर येथे नागपूर ग्रामीण पुलिस युनिटची एक टीम आली होती देवलापार पुलिस स्टेशनकडून, त्यांच्याकडे अपराध क्रमांक 179/22 या अपराध क्रमांकमध्ये जे पाहिजे आरोपी होता त्यांच्या शोधसाठी ते कपिल नगर हद्दीत आले होते। आणि आरोपीचं नाम इम्रान, त्यांच्याकडे जे काही नाम होता तो इम्रान कट्टा म्हणून होता, त्याचं ॲक्च्युअल नाम मोहम्मद इम्रान शेख इरफान असं आहे। आणि त्या
इसमाच्या शोधसाठी ते पोलीस स्टेशनच्या स्टाफसोबत त्यांनी दुपारी 1 वाजता पोलीस स्टेशनकडून निघाले आणि त्यांचा शोध घेता घेता त्यांचे जे काय राहते बिल्डिंगमध्ये पोहोचले होते. त्या बिल्डिंगमध्ये त्यांची बाबत विचारपूस करता करता ते 1 मजल्यावरून दुसऱ्या मजल्यावरून 3रा मजला असं गेले होते. त्या दरम्यान पोलिसांची पोलीस त्यांच्या सर्च करताय म्हणून सदर इस्मानने त्या बिल्डिंगवरून ते उडी मारली आणि त्या 3rd फ्लोअरवरून ते खाली पडले होते. या टीमला त्याबाबत कळाला आणि त्या इस्माला हॉस्पिटल तिथले जे काही लोक होते त्यांनी पोहोचवले. त्या इस्माचा काल दुपारी 3 वाजता GMC मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटलमध्ये त्यांची ट्रीटमेंट सुरू झाली आणि आज रोजी त्यांच्या उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. नाही, आपले पोलीस स्टाफ तिथे मौजूद होते आणि त्यांनी त्यांच्या उपचारासाठी आणि त्यांना ट्रान्सपोर्टेशनसाठी मदतही केली. प्रथमदर्शनी त्या माणूसने जे इसम आहे त्यांनी तिथे पोलिसांचे त्यांना डिटेन करणार अशी भीतीमुळे आणि त्यांचा शोध घेत आहे याच्यामुळे त्यांनी उडी मारल्याचे दिसून येते. त्यावरून आम्ही कारवाई करतो आहे आणि याच्यामध्ये अगोदर आम्ही एक ॲक्सिडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर करतो आहे. राईट, त्यांचे जे काही आरोप आहे त्यावर आम्ही नक्की चौकशी करू आणि योग्य कारवाई करू. या सर्व प्रश्नावर नक्की आम्ही एकदम निष्पक्षपणे चौकशी करू आणि जर जोशी आढळून आल्यास त्यांच्यावर आमची कारवाई होईल. आत्ता या प्रकरणामध्ये पूर्ण चौकशी झाली नाही. सदर इस्माची पोस्टमॉर्टम आत्ता सुरू होणार आहे. आम्ही त्या कार्यक्रम आम्ही त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये व्यस्त आहोत. याच्यामध्ये नक्की चौकशी होईल. कोणाला त्याबद्दल काही शंका असली नाही पाहिजे आणि आम्ही नक्की याच्यामध्ये जे काही दोषी आढळून आल्या येतात त्यांच्यावर कारवाई करू. त्यांनी त्यांना जे काही बोलायचं आहे ते नक्की बोलू शकतात आणि आम्ही याच्यामध्ये आमचा ठाम मत आहे याच्यामध्ये जर दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई होईल. नागपूर ग्रामीण देवलापार पोलीस स्टेशन येथे अपराध क्रमांक 179/22 या गुन्ह्यामध्ये प्रिव्हेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू ॲनिमल्स ॲक्ट या गुन्ह्याचे कलम या ॲक्टचे कलम लागले होते आणि त्या गुन्ह्यामध्ये हे पाहिजे आरोपी होते आणि नागपूर ग्रामीणची जी टीम होती या गुन्ह्यामध्ये त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी आली. प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. मी आपल्याला नक्की पूर्ण डेटा नंतर कन्फर्म करून देऊ. आत्ता याच्यामध्ये आम्हाला प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे की त्यांच्यावर यापूर्वीही गुन्हे दाखल होते. आम्ही एक बार कन्फर्म करून आपल्याला नक्की त्याच्याबद्दल मागचा रेकॉर्ड दिसत आहे परंतु नेम सेम असू शकतो म्हणून आम्ही आपल्याला. NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्षा अंसारी की रिपोर्ट.